नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज आपके लिए लेकर आए हैं फूलों से जुड़ा एक वीडियो। फूल हर किसी को पसंद आते हैं और ये पॉजिटिविटी देने का काम करते हैं, तो ऐसे टाइम में जब हमें पॉजिटिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप घर में लगे हुए फूलों को डेकोरेट करके अपने घर में थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास है ये फ़िलहाल एक ग्रासी प्लांट, ग्रास जैसा दिखता है ये और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम इसकी कुछ कटिंग्स काट लेंगे। अब इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उनको तनों से अलग कर लें। सब कुछ क्लीन करने के बाद हम निकाल चुके हैं पत्तियां और अब लेंगे हम एक गुलदाउदी का फूल। अब एक चीनी मिट्टी का या सकोरा या कोई भी स्टील का बर्तन आपके पास हो, चौड़े मुंह वाला, उसे लें और उसमें पानी भर दें। तली से थोड़ा सा ही नीचे आपको पानी रखना। अब ये जो सारी हमने ग्रास कट की थी उनको हम यहाँ फैला देंगे। बीच में थोड़ा सा स्पेस बना दी क्योंकि यहीं पर हमें फ्लावर लगाना है। अगला फूल हम ले रहे हैं सदाबहार का। 12 महीने खिला रहता है और कई रंगों में ये आता है। यहाँ पर हमने ली है मिट्टी की उरली और इसे भी हम तली से थोड़ा सा नीचे तक पानी से भर देंगे और एक एक करके सारे फूलों को इसमें लगाएंगे। हमने 3 कलर के फूल लिए हैं, तो जो 2 रंगों के सफ़ेद और लाइट पिंक कलर है फिलहाल उससे हम यहाँ डेकोर करेंगे इस उरली को। नेक्स्ट फूल हैं कनेर के, जिन्हें आप पूजा की थाली वगैरह में सजाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।